हेलो एवरीवन, आई समीश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट एन आई टी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम यू ऑल इन द कोर्स दैट इज थर्मल एंड इंजीनियरिंग हैविंग कोड 22337 फॉर थर्ड सेम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इन दिस चैप्टर वी ऑलरेडी स्टार्टेड विथ आर सिक्स्थ यूनिट दैट इज हीट ट्रांसफर एंड हीट एक्सचेंजर एंड टूडे is the third lecture on this topic and today's topic is heat transfer through hollow cylinder। आज का जो टॉपिक है वो अपना क्या है, हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर पढ़ने का। क्लियर है? तो बिफोर स्टार्टिंग विथ टूडेज लेक्चर, आज का लेक्चर चालू करने के पहले एक बार अपन देख लेते हैं कि आज का वीडियो देखने से अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू सॉल्व न्यूमरिकल ऑन हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर। आपन आज का जो वीडियो देखोगे उससे आप क्या चीज़ सीखने वाले हो, हॉलो सिलेंडर के हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन कैसे पढ़ते हैं, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इससे अपन आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। यूनिट आउटकम, यूनिट आउटकम आज का जो वीडियो आप देखोगे उससे जो सिलेबस का जो यूनिट आउटकम जो अचीव होने वाला है वो अचीव होने वाला है 6.A और जो कि है कैलकुलेट हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब एंड पाइप फॉर गिवन डाटा। और एक यूनिट आउटकम जो अचीव होने वाला है वो सॉल्व थर्मल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स विद द गिवन डाटा यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी मैकेनिज्म। ये दो यूनिट आउटकम्स आज के वीडियो से अपने सेटिस्फाइड होने वाले हैं। क्लियर है? प्रोग्राम आउटकम आज का वीडियो कंप्लीट होने के बाद में ये कुछ POs है और कुछ PSOs है जो आज के वीडियो से अपने क्या होने वाले, सेटिस्फाइड होने वाले हैं। क्लियर है? समझ में आया सबको? चलो अपन इसके पहले में अपने जो वीडियो पढ़े थे उसमें अपने न्यूमेरिकल पढ़े थे के ऊपर में हीट कंडक्शन थ्रू कंपोजिट स्लैब, कंपोजिट स्लैब के ऊपर में पढ़े थे। अभी अपन जो न्यूमेरिकल पढ़ रहे वाले वो पढ़ने वाले हीट कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले मैं हॉलो सिलेंडर क्या होता है सभी को वैसे पता होगा, फिर भी एक बार बता देता हूँ। हॉलो सिलेंडर बोले तो क्या, जो अंदर से खोखला रहेगा, जो अंदर से चीज जो खोखली रहती है उस चीज को बोला जाता है हॉलो सिलेंडर। जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये मैंने एक पेज का एक सिलेंडर टाइप में बनाया, तो सिलेंडर टाइप में बनाया तो इसको देखो ये हॉलो है, हॉलो है तो इसके जो डायमीटर है वो कितने डायमीटर दिख रहे हैं आपको, दो डायमीटर रहेंगे। ये एक इनर डायमीटर ये वाला दिख रहा है, ये एक इनर डायमीटर हो गया और ये हो गया एक आउटर डायमीटर और ये हो गई इसकी लेंथ। तो हॉलो सिलेंडर पे वो अपने को न्यूमेरिकल पढ़ना है। तो हॉलो सिलेंडर में हरदम याद रखना कितने डायमीटर रहेंगे, दो डायमीटर, एक इनर डायमीटर और एक आउटर डायमीटर और ये होगी लेंथ। ये आप ना हॉलो सिलेंडर का डायग्राम बना सकूं, ये एक सर्कल बनाया मैंने, ये कौन सा बना मेरा इनर डायमीटर, इसके ऊपर में कुछ तो भी उसकी थिकनेस रहेगी और ये उसका रहेगा आउटर डायमीटर। क्लियर है? ये हो गया इनर डायमीटर, इसको मैं रेडियस के टर्म्स में लिखूंगा तो ये इनर वाला रहेगा मेरा रेडियस आर वन, ये आउटर के टर्म्स में लिखूंगा तो ये मेरा वाला रेडियस रहेगा आर टू। क्लियर है? समझ में यहां तक के? तो अपने को न्यूमेरिकल पढ़ना है हीट कंडक्शन टू कंपोजिट स्लैब। ये मैंने एक सर्कल बनाया, सिलेंडर है हॉलो सिलेंडर, इसका एक इनर डायमीटर रहेगा, इसका एक आउटर डायमीटर रहेगा और ये होगी इसकी लेंथ। क्लियर? तो अभी अपने को क्या करना है कि अगर मैंने ये हॉलो सिलेंडर जो है इसके ऊपर में मैंने और एक पाइप के अंदर में डाल दिया इसको, सपोज करता मैंने इसको और एक पाइप के अंदर में डाल दिया है जिसका वो पाइप का डायमीटर क्या है इस वाले सिलेंडर के डायमीटर से बड़ा है, तो इसके और एक रेडियस आ जाएंगी ये बाहर वाली, ये हो जाएंगी उसकी, इसको देखता हूं मैं आर थ्री। तो इसका अपने को हीट ट्रांसफर अगर निकालना है थ्रू कंडक्शन थ्रू हॉलो सिलेंडर, इसका अपने को डेरिवेशन की पुस्तक का हरदम आपको याद रखना है क्या फॉर्मूला है हीट ट्रांसफर का, क्यू इक्वल्स टू ये सिलेंडर कितने भी इसके ऊपर में कवरिंग लग जाए, इसमें लेंथ पूरे सिलेंडर की, ये एक सिलेंडर जो मैंने लिया था इसके ऊपर में मैंने ये एक सिलेंडर लिया, इसके ऊपर में मैंने ये दूसरा सिलेंडर लगा रहा हूँ, ये एक सिलेंडर लिया मैंने, इसके ऊपर में ये मेरा हाथ जो है ये दूसरा सिलेंडर है, तो इसका मैं कितना भी करूंगा तो क्या होगा, ये दोनों चीज की जो लेंथ रहेगी ये तो हरदम सेम ही रहेंगी। तो फॉर्मूले में हरदम याद रखना यहाँ पे जो लेंथ रहेगी ये ऊपर से रहेगी ब्रैकेट, इसमें कोई इंटरमीडिएट टेम्परेचर वाला रोल ही नहीं रहता है हॉलो सिलेंडर में, इसमें जो इनर वाला टेम्परेचर रहता है वो इवन रहता है और पूरे
तब इसके बाद वाला जो टेम्परेचर रहता है वो टी टू रहता है, तो यहाँ पे आ जाता है अपना टी वन माइनस टी टू, क्लियर है, डिवाइडेड बाय के बाद में ये जो पहला सिलेंडर है, पहला सिलेंडर कहाँ तक के था अपना आर वन और आर टू का, ये आर तीन का क्या नहीं, तो यहाँ पे पहले सिलेंडर का जो रजिस्टेंस आता है वो रहता है एल एन, आउटर रेडियस पहले सिलेंडर की कितनी है आर टू डिवाइडेड बाय उसकी इनर रेडियस कितनी है आर टू बाय आर वन डिवाइडेड बाय टू बाय के वन, समझना आया फॉर्मूला कैसा है, लेंथ तो सेम रहेंगी, इनर वाला जो टेम्परेचर हो टी वन, आउटर वाला जो टेम्परेचर हो टी टू, इसका रेजिस्टेंस जैसा वहां पे अपन ने देखे थे ना एल बाय के रहता था, सॉरी एक्स एक्स बाय के रहता था अपना टाइम में कंपोजिट स्लैब पे, उसमें उसी तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या रहता है पहले वाले इसका क्या है एल एन आर टू बाय आर वन डिवाइडेड बाय टू बाय के वन प्लस उसमें दूसरा मटीरियल और है, तो ये दूसरा वाला सिलेंडर था, दूसरा सिलेंडर का रेजिस्टेंस ऐसा रहता है एल एन, इसके दूसरे सिलेंडर ये जो दूसरा सिलेंडर है ये दूसरा सिलेंडर है इसका इनर रेडियस कौन सा रहेगा, ये जो पहले सिलेंडर का आउटर रेडियस जो रहेगा वही इनर सिलेंडर का क्या आउटर सिलेंडर का क्या रहेगा इनर रेडियस, ये आपका आएगा आर टू बाय आर सॉरी आउटर का ही रहेगा, तो ये आर थ्री बाय आर टू डिवाइडेड बाय टू बाय के टू, यहाँ पे मैंने कितने लगाए यहाँ पे दो ही लगाया था, अगर इसके ऊपर में मैंने और एक लगा दिया और एक सिलेंडर लगा दिया और एक कुछ लगा दिया तो यहाँ पे मेरी क्या जाएंगी ये रेडियस बढ़ जाएंगी, तो ये आर फोर आ जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा एल एन आउटर कितना है आर फोर बाय आर थ्री डिवाइडेड बाय टू बाय के थ्री, आपको ये याद रखना है कि कितने सिलेंडर लगे हुए हैं, अगर एक लगा हुआ है तो सिर्फ यहाँ तक के फॉर्मूला बनेगा, अगर दो लगे हुए तो यहाँ तक के बनेगा, अगर तीन लगा हुआ है तो यहाँ तक के बनेगा, अगर चार लगा हुआ है तो उससे ज्यादा बनेगा, आपको यह हरदम ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, तो सब जन अपने कॉपी में हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट स्लैब का ये फॉर्मूला याद रखो, क्या फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू एल टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एल एन आर टू बाय आर वन डिवाइडेड बाय टू बाय के वन, अगर एक मटेरियल रहेगा सिलेंडर रहेगा तो ये आएगा, अगर दो रहेंगे तो ये वाला आएगा, अगर तीन रहेगा तो ये वाला आएगा, अगर चार रहेगा तो इसके आगे में और बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस जो है वो वैरी करते रहेगा, तो हरदम आपको ये चीज याद रखने का है, क्लियर है, समझ में आ सबको, तो चलो अपन अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक अपन ने हीट ट्रांसफर थ्रू हॉलो सिलेंडर कैसे कैलकुलेट करते उसका अपन ने अभी तक उसका फॉर्मूला देखे, अभी उसी फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर में अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, किसके लिए हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट सिलेंडर, अभी तक के अपन ने क्या देखे थे कि अपन एक ये देखे कि हीट ट्रांसफर थ्रू कंपोजिट हॉलो सिलेंडर से कैसे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर उसका फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ देखे, अभी अपन देखने वाले हैं कि जो अपना एक्चुअल उसके ऊपर का न्यूमेरिकल, तो इसके पहले वाले वीडियो में जब अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे हीट ट्रांसफर टू कंपोजिट सिलेंडर उसमें भी मैंने बताया था, सेकेंड चैप्टर में जब अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे मैंने उसमें भी बताया था कि सबसे पहले अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ करना है उस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा देखना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया क्वेश्चन दिया हुआ है अ स्कीम ऑफ 16 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर, एक इनसाइड डायमीटर दिया है एक आउटसाइड डायमीटर दिया है, उसके बाद में वो पाइप की थर्मल कंडक्टिविटी दिया है, उसके ऊपर में फिर एक फर्स्ट लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल लगा है 3 सेंटीमीटर थिक का, फिर उसके बाद में उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी है, एक सेकेंड इंसुलेटिंग मटेरियल है उसका थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इनसाइड टेम्परेचर दिया है और आउटसाइड टेम्परेचर दिया हुआ है, अपने को निकालना है हीट लॉस पर मीटर लेंथ ऑफ पाइप, ये चीज़ें अपने को आज के ये जो न्यूमेरिकल है इसको अपने को सॉल्व करना है, क्लियर है। तो जैसा अपन पहले वाले न्यूमेरिकल में भी देखे थे मैंने हरदम बताया न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को जो गिवन है वो गिवन डाटा लिखना है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है अ स्टील पाइप ऑफ 16 सेंटीमीटर इनसाइड डायमीटर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज क्या लिखूंगा मैं गिवन डेटा, गिवन डेटा में सबसे पहला क्या दिया हुआ है इनसाइड डायमीटर 16 सेंटीमीटर, तो इनसाइड को मैं कैसे डिनोट करता हूँ
वन से तो डायमीटर है, डी वन इक्वल टू दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड आउटसाइड डायमीटर इक्वल टू 17, तो डी टू इक्वल टू दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद में उसको K दिया हुआ है, थर्मल कंडक्टिविटी, वो मटेरियल के दिया हुआ कितना 58 वाट पर मीटर केल्विन। क्लियर है। फिर उसके बाद में बोलता है इज कवर्ड विद फर्स्ट लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो ये बनाने की चलते अपन यहाँ पे साइड बाय साइड डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला इनसाइड डायमीटर 16 सेंटीमीटर वाला बना, उसके बाद में मैंने बनाया 17 सेंटीमीटर वाला। क्लियर है। एक हो गया इनसाइड, एक हो गया आउटसाइड 17। इसको अपन कवर कर रहे हैं, बोलता है इसे 3 सेंटीमीटर इंसुलेटिंग मटेरियल। इसके ऊपर में और एक चीज लगी हुई है जिसकी थिकनेस दी हुई है अपने को 3 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद में वो थिकनेस इंसुलेटिंग मटेरियल, के ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, के ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल दिया हुआ है अपने को 0.17 वाट पर मीटर केल्विन। उसके बाद में बोल रहा है एंड सेकेंड लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इसके ऊपर में और क्या लगाया है, सेकेंड लेयर लगाया इंसुलेटिंग मटेरियल की, ये और एक इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर लगाया, ये और एक इंसुलेटिंग मटेरियल की लेयर लगाया, ये फर्स्ट इंसुलेटिंग मटेरियल, के ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल फर्स्ट की, के ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल सेकेंड इंसुलेटिंग मटेरियल का के दिया होगा आपको कितना 0.093 वाट पर मीटर के अंदर। ये चीजें की वन है। तो बोलता था टेम्परेचर ऑफ स्टीम पासिंग थ्रू दी पाइप, ये पाइप के अंदर से जो स्टीम जा रही है, इनर वाला अपन टेम्परेचर हम T1 लेते हैं, तो T1 इक्वल से कितना दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस एंड आउट एटमोसफियर इज 30। तो ये बाहर का जो टेम्परेचर दिया है 30, इसको अपन बोलता लेते हैं T2, तो T2 इक्वल से दिया हुआ अपने को 30 डिग्री सेल्सियस। और द फाइंड क्या करना बोल रहा अपने को, हीट लॉस पर मीटर लेंथ फाइंड करना बोला, हीट लॉस, हीट लॉस को अपन डिनोट करते हैं Q से, पर मीटर लेंथ बोलते हैं Q बाय L, अपने को क्या करना बोला है फाइंड आउट करने को है। कि यहाँ पे अपन देखते हैं कितने सर्कल हो गए, ये सबसे पहला ये एक सर्कल हो गया, इसका ये जो रेडियस रहेगा ये रहेगा R1, तो इसके बाद में ये एक है, ये रहेगा अपने को R2, फिर इसके बाद में ये एक रेडियस है, ये रहेगा अपना R3, और ये एक फोर्थ वाला रेडियस है, ये रहेगा अपना R4। तो अपने को R1, R2, R3, R4 की वैल्यू पता करना है। D1, D2 दिया हुआ है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, तो ये R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज 8 सेंटीमीटर। D2 17 दिया हुआ है, 17 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 8.5 सेंटीमीटर R1 R2 की वैल्यू मेरे को मिल गई। ये जो पहला इंसुलेटिंग मटेरियल था, ये जो पहला इंसुलेटिंग मटेरियल था इसकी अपने को थिकनेस दिया था 3 सेंटीमीटर, तो R3 की वैल्यू क्या होगी, ये इतना प्लस ये, तो अपना R3 कितना आ जाएगा, R3 इक्वल्स टू 8.5 प्लस थिकनेस कितनी थी उसकी 3, ये हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर। उसी तरीके से R4 कहता है ये यहाँ तक ये प्लस इसकी जो थिकनेस दिया था ये दिया था अपने को 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 11.5 प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। ये चीजें अपने को यहाँ पर दिया हुआ है। उसी तरीके से सेम याद रखना है, हरदम रेडियस जो लेंगे वो मीटर में होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी हरदम वाट पर मीटर केल्विन में होना चाहिए, और टेम्परेचर हरदम केल्विन में होना चाहिए। यहाँ पे रेडियस देखो अपने को कायम दिया सेंटीमीटर, तो मैंने बताया था सेंटीमीटर मीटर को, अगर सेंटीमीटर में कोई चीज दिया हुआ है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 10^-2 से, ये हो जाएगा 8×10^-2 मीटर, ये हो जाएगा 8.5×10^-2 मीटर, ये हो जाएगा 11.5×10^-2 मीटर, और ये हो जाएगा 16.5×10^-2 मीटर। ये रेडियस कन्वर्ट कर दिया अपन ने। उसके बाद में अपने को दिया हुआ है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, ये दिया हुआ है वाट पर मीटर केल्विन में, ये भी दिया हुआ है वाट पर मीटर केल्विन में, ये भी दिया हुआ है वाट पर मीटर केल्विन में, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
फिर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया तो डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए बताया था मैंने, डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 273 करना पड़ेगा, यहाँ पे 300 प्लस 273 इज नथिंग बट हो जाएगा 573 केल्विन, जो क्या 30 प्लस 273 इज नथिंग बट हो जाएगा आपका 303 केल्विन, क्लियर है। अभी अपन फॉर्मूला लगाते हैं, अपना फॉर्मूला दिया था अपने को क्या, हीट लॉस का फॉर्मूला फॉर कंपोजिट सिलेंडर के लिए क्या था, लेंथ इनर टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय पहला सिलेंडर का रेजिस्टेंस कितना रहेगा L1, आउटर डायमीटर कितनी रहेगी R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 बाय K1 प्लस, उसके बाद में इंसुलेटिंग मटेरियल का करेगा ये सिलेंडर, ये कितना रहेगा LN R3 बाय R2 डिवाइडेड बाय 2 बाय K2 प्लस LN R3 बाय R4 बाय R3 डिवाइडेड बाय 2 बाय K3। अपने को निकालना क्या है, Q बाय L, तो ये L इधर साइड में मल्टीप्लाई में इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल टू किधर आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा Q बाय L इक्वल टू फॉर्मूला क्या बचेगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय LN R2 बाय R1 डिवाइडेड बाय 2 पाई K1 प्लस LN R3 बाय R2 डिवाइडेड बाय 2 पाई K2 प्लस LN R4 बाय R3 डिवाइडेड बाय 2 पाई K3, क्लियर है। ये चीजें दिया हुआ है, अपने को एक एक चीज पुट अप करना है, T1 की वैल्यू कितना है 573, या तो पुट अप कर दिया मैंने 573 माइनस T2 की वैल्यू कितना है 303, या तो पुट अप कर दिया मैंने 303 LN एज इट इज रहेगा, R2 की वैल्यू कितना दिया है 8.5 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइडेड बाय R1 कितना दिया है 8 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू K1 बोले तो पहले सिलेंडर का थर्मल कंडक्टिविटी, पहले सिलेंडर के थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया था अपने को 58, ये आगे आ जाएगा 58 प्लस LN फिर से R2 की वैल्यू कितना दी है R3 की वैल्यू दिया आपको 11.5 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइडेड बाय R3 कितना दिया हुआ है 8.5 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू सेकेंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ये तो पहला वाला इंसुलेटिंग मटेरियल था, इसका अपने को के कितना दिया था 0.17 प्लस फिर से क्या दिया हुआ मेरे को LN R4 की वैल्यू कितनी दी है 16.5 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइडेड बाय R3 की वैल्यू दिया है 11.5 × 10⁻²⁻ माइनस 2 डिवाइड 2 इंटू पाई इंटू थर्ड इंसुलेटिंग मटेरियल, स्पेस खत्म, बाकी रह गया अभी थर्ड इंसुलेटिंग मटेरियल, अपने को थिकनेस दिया था कितना 5 सेंटीमीटर, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल की वैल्यू दिया है 0.093, ये पूरा पुट अप करूंगा तो मेरे को बात वैल्यू मिलेगी Q by L की, और Q by L की जो वैल्यू मिल रही है वो आप ये वाली इसका आंसर आप कैलकुलेट करेंगे और मुझे बताएंगे, इसकी वैल्यू आएगी वैट पर मीटर स्क्वायर में, ये कैल्सियम आप सॉल्व करोगे और इसकी वैल्यू जो कुछ भी आएगी वो आप मुझे बताओगे, तो इस तरीके से आपको कंपोजिट हॉलो सिलेंडर का जो न्यूमेरिकल आएगा वो इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसको आप सभी लोग लिख लेने का, किसी को भी अगर कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे पूछने का।
क्लियर है, इसी पैटर्न में हॉलो सिलेंडर के न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो लेट अस रिवाइज्ड व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज के वीडियो में अपन ने क्या पढ़े एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं थ्रू हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर के लिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो पढ़े अपन ने। उसके बाद में ये कुछ यूनिट आउटकम्स है जो आज के इससे अचीव हो रहे हैं, और ये प्रोग्राम आउटकम्स है जो आज के वीडियो से अपने क्या हो रहे हैं अचीव हो रहे हैं। क्लियर है, ये कुछ क्वेश्चंस है जो MSBT में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा इस वाले वीडियो में मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा है, उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये न्यूमेरिकल तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है, सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है, ये न्यूमेरिकल उसी प्रोसेस से ये तीनों न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है आज से वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरी कांटेक्ट डिटेल यहाँ पे दी हुई है। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।